तो ये आखिरी फेज है यहाँ केज का, और यहाँ अपन ने आउल लेडी फेजन के ऑस्ट्रेलिया येल्लो पैरट वगैरह देखे। ये सबसे अच्छा लोग देखे वाइट थ्रेडेड पाइन पॉलिश है। पैरट बोलो तो ये देखो तारे झूलते उल्लू उल्लू का बोर्ड लगा है, उल्लू लोग बैठे हैं। ये इसको अपन बंगाली में भूतम पैचा बोलते हैं। ये कुछ ऐसा देख रहा है मेरी तरफ जैसे ये आँख झपका इसने। तो ये वाला जो एरिया ये ग्रीन हाउस के जस्ट बिसाइड बैकग्राउंड में है, पीछे की तरफ में। इस तरफ आखिरी आग के केज है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ आउल्स जो है यहाँ पर मौजूद है। इसलिए यहाँ से अपन नॉर्मल के केजेस की तरफ चलेंगे निकल के। तो ये एमू है, घूम रहा है, ऑस्ट्रिच जैसे दिख रहा है बट ये छोटा पक्षी। प्रस्थान करते हैं, आए थे अपन नंदनवन पक्षी विहार में, नंदनवन जू, नंदनवन कानन, नंदन कानन वन। तो यहाँ पर बैठ के हमने खाना वाना खाया मैट में चटाई बिछा के, और वहाँ से प्रसादन और वहाँ थाली वाली धोए हमने, और उस तरफ से गेट से मंदिर है और यहीं से एग्जिट होके आए। दो चक्कर मेरे हो गए, मेरे तो कमर वेस्ट में से दर्द पकड़ लिए भाई, अब गाड़ी भी चलाना है। अब चलो हम लोग खारून नदी के एनिकेट में होते हुए घर को वापस चलेंगे भिलाई को। तब तक बने रहिए एनिकेट आने तक के। तो ये नंदन कानन वन का एंट्रेंस गेट है, और उस तरफ जो है साइकिल स्टैंड और गाड़ी का स्टैंड है, अपन उधर ही चलते हैं, अपनी भी गाड़ी फंसी हुई है। ये नंदन कानन जू के ठीक सामने ये बढ़िया सा और एक आर्टिफिशियल सा पार्क बना हुआ है, मंदिर टाइप का भी है, एंट्रेंस होगा, मंदिर नहीं होगा एक्चुअली। और यहाँ भी बढ़िया लोग खेल रहे हैं पार्किंग, और उस तरफ कोई गाँव वाँव जाता है, बढ़िया आएंगे फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे इस तरफ भी। करके आए तरफ वापस ये हम
आगे घाट पर पहुँच के मिलते हैं आपसे। इसका सुंदर सा नज़ारा, ये उस तरफ गांव जाने के लिए एनिकेट बना हुआ है और ये नदी खारून नदी उधर से होके आती है और उधर सिमगा में जाके मिलती है महानदी के साथ। तो आइए पावन दर्शन करते हैं। अभी कौन तो बोला बुद्धू राम कि हम थोड़ा पानी पहले से ही नाले का टाइप का बह रहा है क्या आ रहा है, क्योंकि हम विंडोज़ बने रहते दराज रहते छोटे छोटे, तो उधर से पानी का थोड़ा सा ज़्यादा निकल रहा है। तो ये है नंदनवन जाने का रास्ता, इस तरफ ग्राम सिमगा ये सब भी जाते हैं। चंदन डी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दिखा रहा है, उधर एक माइलस्टोन लगा हुआ है, उस तरफ में वो चंदन डी आगे जाता है और ये खारून नदी का एनिकेट है। ये आगे जाके महानदी में टच होता है, संगम है, वही संगम सिमगा में या बोल सकते हैं सोमनाथ पड़ता है। तो हम गए थे बहुत साल पहले, 18 साल पहले सोमनाथ पिकनिक स्पॉट है जंगल के मध्य से, पर मंदिर वाला स्पॉट जो है वो सिमगा में ही है। वहाँ चलेंगे इसी रास्ते से होके कभी, या कुमारी के अंदर से होके भी बनता है रास्ता। तो चलिए आज के लिए ब्लॉग में बस इतना ही, बने रहिए, कीप वॉचिंग आवर ब्लॉग रेगुलरली एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए बनते फिर यहाँ से। ये हम लोग रुके हैं कहाँ पे, ये चरौदा क्रॉस हो रहा है लगभग, ये चरौदा में पहुँचे। यहाँ से चाय ब्रेक, कोल्ड ड्रिंक ब्रेक ले लेते हैं, अपना छोटा फैमिली मेम्बर है उस तरफ लोग कहते हैं, और एकदम स्पीड 70 के स्पीड में भाग के यहाँ तक आया, बीच में फिर स्लो कर दिया था मैंने। तो चलिए अपन भिलाई की तरफ उस तरफ बढ़ेंगे घर पे, तब तक आधे घंटे में उनके घर तक पहुँच जाना है, 45 मिनट लगेगा हालांकि।